हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज की इस वीडियो में मैं कैसे पेड़ पर एंट लग जाती है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कितनी ज़्यादा एंट लगी हुई है मेरे उस पर, और अगर जूम करूं मैं तो इसमें अंडे भी इसने दिए हुए हैं। तो एक्चुअली एंट की जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है आपके, अगर आपके पेड़ पर मिली भग रहता है तो उसको खाने के लिए एंट आती है और फिर अपना कॉलोनी बसाने लगती है। और ख़ासकर ऐसा प्रॉब्लम तब आता है जब आपका पेड़ छांव में ज़्यादा रहता है, तो एंट को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए आराम से वो रहने लगती है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, तो आगे देखते हैं कैसे कैसे करना है। तो आज मैं, क्योंकि प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो आज हम इसको केमिकल वे से पहले थोड़ा कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद जब आ जाएगा तो फिर आगे तो नीम ऑयल से बाकी काम होता रहता है। तो आप देख सकते हैं मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैं दिखा देता हूँ। तो आप इसका नाम मत देखिए, ये जो केमिकल का नाम लिखा हुआ है वो आप देख लीजिए, और क्योंकि नाम तो दवा का इधर उधर बदलता रहता है। और इसके साथ मैं थोड़ा सा फंगीसाइड जो कि बहुत फेमस है साफ यूज़ करूँगा। तो चलिए मैं इसके बनाने के प्रोसेस की तरफ चलता हूँ, फिर बताते हैं कैसे, फिर देखते हैं कैसे बनेगा। हाँ, तो चलिए इसके अब बनाने के प्रोसीजर पर आते हैं। तो ये जो 5 ग्राम का ये जो पैकेट है ये 16 लीटर पानी में यूज़ होता है। तो फ़िलहाल मैं 1 लीटर से पानी बना के वीडियो में दिखाता हूँ। तो अपने हिसाब से हम इसको अपने हाथ पे लेंगे 1 लीटर के हिसाब से। हाँ, तो देखिए मैंने इतना करीब लिया है अंदाज़े से, ये मैं 1 लीटर पानी में इसको मिला दूंगा। और साफ 1 लीटर में करीब 1 चम्मच के लगभग डालें, इसको भी मैं अपने हाथ से ही ले लूँगा, थोड़ा अंदाज़ा है मेरे को तो हो जाता है। ये साफ फंगीसाइड होता है, इसको तो ऐसे भी रेगुलर स्प्रे करते रहना चाहिए मिट्टी में, थोड़ा कब हफ्ते हफ्ते में पानी में मिला मिला के डाल देना चाहिए। तो बस ये हमारा सॉल्यूशन रेडी है। अब इसको मैं कैप लगा के शेक कर लूँगा कि मिक्स हो जाए सब जितने भी केमिकल हैं, फिर मैं स्प्रे करूँगा इसको। तो अभी फ़िलहाल इसको शेक कर लूँ अच्छे से। देखिए पानी पूरा एकदम ब्लू हो गया है, ये फंगीसाइड की वजह से है। तो मैं भी इसका प्रेशर बना रहा हूँ। तो चलिए अब स्प्रे करना स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्प्रे करें। एकदम जहाँ जहाँ पे चींटी की साइड कैमरा नज़दीक लगा चींटी है वहाँ वहाँ पे एकदम अच्छे से इसको आराम से स्प्रे करें कि एकदम चींटी एकदम ख़त्म हो जाएगी। कैसे होगा, सब अंडे वंडे सब इसके साफ़ हो जाएंगे। ऐसे ही करके हर तरफ जितनी चींटी, अभी से देखिए चींटी का एकदम चलना फिरना रुक गया है। तो फिर देखिए मैं डाल दे रहा हूँ, और देखिए ये डाल देंगे तो ये हमेशा जब भी पेड़ में इस टाइप का कोई भी केमिकल या नीम ऑयल जो भी आप डाल रहे हैं उसको हमेशा शाम में डाला जाता है, क्योंकि दिन की धूप अगर आप केमिकल लगाने के बाद पड़ जाएगी तो फिर पेड़ आपके जलने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो फिर एकदम अच्छे से डालिए, एकदम कंजूसी करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत महंगी चीज़ नहीं है, ये सब आती जाती रहती है। तो इसी जैसे मैंने आपको दिखाया, आपको भी ऐसे ही करना है। फिर आपके पेड़ की जितनी भी रिक्वायरमेंट हो, आपका पेड़ अगर बड़ा है तो आप उस हिसाब से करते रहिए, करते रहिएगा। बस इतना ही है, कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है इसको करना, अपने हिसाब से आप बनाइए। मान लीजिए थोड़ा अगर क्वांटिटी ऊपर नीचे हो भी गई तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप
हाँ, तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं धीमे धीमे यहाँ पे चींटी की मूवमेंट स्लो भी होती जा रही है, थोड़ा देर में ये सब मर भी जाएंगी। जहाँ जहाँ पे फंगीसाइड पड़ गया है वहाँ पे देखिए पूरा मतलब इनके मोशन एकदम एक तरीके से रुक गए हैं, मर जाएंगे थोड़ा देर में ये सब। और तो बस कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चींटी के लिए ही यूज़ करना है। जितने भी एफिड्स हो गए आपके, इस तरीके के जितने भी कीट फतिंगे लगते हैं, सब में अगर आप इस्तेमाल करेंगे ये बहुत कारगर साबित होगा। बस और तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। चलिए इसके साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, तो इससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो को। ओके बाय।